अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव करके बंद की थी। सेकंड वीडियो में हमने यहाँ पे स्टॉप किया था, ठीक है। तो अभी मैं इसमें मज़ीद जो है, हम लोग जो है कुछ सेटिंग है, और अभी हम जो इसमें मेन देखेंगे वो हम बैंड क्रिएशन पे फोकस करेंगे कि हमने अपने इन सेक्शन में बैंड कैसे क्रिएट करने हैं। तो बैंड क्रिएट करने से पहले मैं इनके जो जो स्पेसिंग है ये थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेक्शन, किसी एक सेक्शन को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी ग्रुप प्रॉपर्टी में यहाँ से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ही इसको कर रहा हूँ। तो ग्रुप प्लॉट स्टाइल में जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ। मैं इसका इंटरवल थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमें बाद में इनको विजुलाइज करने में आसानी हो जाए। ओके, तो ये ओके हो गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इनका जो इंटरवल था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो थोड़ा पहले पास पास में थे, अभी थोड़ा दूर हो गए। तो अभी ये जो टेबल है इसमें, ठीक है, ये जो टेबल है, टेबल का थोड़ा साइज हम बढ़ा देते हैं। ऑलमोस्ट ओके ही है, फिर भी मैं थोड़ा इसको इम्प्रूव कर देता हूँ। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर सकते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया है। डाटा प्रॉपर्टी में हम इसको थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अप्लाई, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा बाहर चला गया है। जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे तो ये अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं सारे जो टेबल जो है वो अपडेट हो गए हैं। आप इसको इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, ऑलमोस्ट ये ओके ही है, ठीक है। तो अभी मैं मज़ीद जो है इसमें जो है बैंड सेटिंग जो है अभी वो हम लोग करेंगे, बैंड क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी इसमें एक ये बैंड शो हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए, हम अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चेंज बैंड सेट में कुछ बाई डिफॉल्ट बैंड जो आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ से सबसे पहला जो हम अपना बैंड क्रिएट करेंगे वो हमारा है फिनिश ग्राउंड लेवल का। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन, ओके। नहीं तो मैं इसमें क्रिएट न्यू करता हूँ, ओके, क्रिएट न्यू पे जाता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं इसमें स्टाइल रखता हूँ, क्रिएट न्यू में, ओके, टॉप एलिवेशन, ओके। डिस्प्ले में बाई डिफॉल्ट जो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, ये जो कलर है ये मैं ब्लू कर देता हूँ, ओके। बाकी जो चीज़ें मुझे चाहिए, हमें मेजर नहीं चाहिए लेबल, हमें सिर्फ ग्रेड ब्रेक के लेबल चाहिए, ओके। इसको मैंने क्लिक किया और अप्लाई किया और यहाँ पे फिर मैं अभी बैंड में आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बैंड हाइट है, मैं इसको 45 रख रहा हूँ, यहाँ पे 50 है। कंपोज लेबल में हमने अपना लेबल जो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, मैं वो लेबल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने अप यहाँ पे लिखना है टॉप एलिवेशन, ओके, टॉप एलिवेशन, इसको मैंने कॉपी किया है। और ये मुझे मिडल सेंटर में चाहिए, ठीक है, मिडल सेंटर में चाहिए। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मिडल सेंटर में चाहिए मुझे। इसकी जो टेक्स्ट हाइट है वो 5 चाहिए, ओके, अप्लाई। तो ये इसकी आप देख सकते हैं टेक्स्ट हाइट के हिसाब से आ गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ से मैं इसका जो टेक्स्ट है, ओके, इसको मैं कंट्रोल ई करके सेंटर में ला रहा हूँ, ओके। और फॉर्मेट में हमें इसका फॉन्ट जो चाहिए वो कैम्ब्रिया चाहिए, ओके। और इसका जो कलर चाहिए वो हमारी जो फिनिश ग्राउंड की सरफेस है उसका कलर जो है सेम वही चाहिए। तो मैंने इसको ब्लू कर दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इम्प्रूव हो गया लेबल, इस लेबल में और इस लेबल में भी आपको वाजह फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैं इसको ओके करता हूँ। अभी यहाँ पे मेजर इंक्रीमेंट है, ठीक है, मेजर इंक्रीमेंट में हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपली माइनर में भी नहीं चाहिए, माइनर में ऑलरेडी कुछ होता नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ओके। इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। सेंटर लाइन में चेक कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर लाइन पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, ओके। सैंपल लाइन वर्टेसेस भी हमें नहीं चाहिए,
ओके, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है। इंक्रीमेंटल डिस्टेंस जो है वो भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी मैंने इधर से डिलीट कर दिया है। ओके, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो ग्रेड ब्रेक है। ओके, टिक मुझे नहीं चाहिए। ओके, कंपोज लेवल पे मैं जाता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, टॉप एलिवेशन रिक्वायर्ड है और इसका जो साइज है, फॉन्ट है, वो मुझे 5 रिक्वायर्ड है। ओके, मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फॉन्ट इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है सेक्शन एलिवेशन और यहाँ पे हमें 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, तो मैंने इसको ओके कर दिया है। हमें जो इसका फॉन्ट चाहिए वो कैम्ब्रिया चाहिए, फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कलर मैंने सेलेक्ट कर दिया है ब्लू। तो आप लोग देख सकते हैं जो भी चेंजिंग हमने की है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो लेबल हमारा रेडी हो गया है, अभी हम इसको सेक्शन व्यू में ऐड करते हैं। ओके, ये टॉप एलिवेशन का लेबल जो है ये आ गया है। यहाँ पे मैं इसको 0 करता हूँ, अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसकी जो प्रोफाइल है हमारे पास वो मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, ठीक है। और यहाँ पे सेक्शन में, सॉरी, यहाँ पे ये जो बफर लाइन है ये मुझे नहीं चाहिए, ये जो मजेंटा लाइन नज़र आ रही है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट बैंड है वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो ये जो टिक नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये टिक अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये जो गैप है ये गैप भी हम खत्म कर देते हैं इसका। ऑफसेट फ्रॉम बैंड है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। डिस्प्ले ओके, और ये जो टिक है ये टिक जो है ये मैं इसके हटा देता हूँ। ओके, टिक नहीं चाहिए हमें। ओके ओके ओके, अप्लाई, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारा बैंड है, ठीक है, अभी ये वाला जो इंटरवल है ये हम लोग कैसे सेट करेंगे मैं वो भी बताता हूँ आप लोगों को। हम लोग बैंड सेट में जाएंगे, ओके, और यहाँ पे जो वीडिंग है, ठीक है, ये ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट 100 है, मैं इसको मिनिमम करता हूँ इसमें। ओके, मैं 0.1 कर रहा हूँ और इसको मैं बोथ साइड स्टैगर करता हूँ, अगर कोई चीज़ ओवरलैप हो रही होगी तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लेबल हमारे अभी इम्प्रूव हो गए हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस लाइन में ग्रेड ब्रेक था वहाँ वहाँ पे लेबल हमारा डिस्प्ले हो गया है। तो एक लेबल हमने हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक लेबल हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को, ओके। अभी मैं फिर सेक्शन व्यू को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ग्रुप प्रॉपर्टी में एडिट, ओके। यहाँ पे हमने जो अपना ये एक लेबल क्रिएट किया है टॉप एलिवेशन, ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन, ओके। और यहाँ इंफॉर्मेशन में मैं इसको एग्जिस्टिंग एलिवेशन का नाम देता हूँ, एग्जिस्टिंग एलिवेशन, ओके। और यहाँ पे मैं इसको कलर जो है कलर मैं चेंज करके देखता हूँ इसको, ये वर्क करता है कि नहीं करता कॉपी में, ओके। अभी जो है हमने बनाना है एग्जिस्टिंग ग्राउंड के लिए पीजी एलिवेशन, ओके। और यहाँ पे जो है मैं इसका कलर जो है वो रेड कर रहा हूँ, ओके। पहले हम इतना ही चेक करते हैं इसको, ठीक है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम अपना एक नया क्रिएट कर लेंगे, ओके। पीजी है, अप्लाई है, ओके है, और इसमें जो है 0 और जहाँ पे ओ जी एल है बाई डिफॉल्ट है, और यहाँ पे 0.001 है, और यहाँ पे स्टैगर बोथ साइड है, ओके, अप्लाई, ओके। ये हमारा लेबल वर्क कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको एडिट करते हैं, ओके। ओ जी एल ऑलरेडी हमने कर लिया था इधर,
ओके, यहाँ पे कंपोज लेबल पे जाता हूँ मैं, और इसका जस्ट हमने अभी सिर्फ कलर चेंज करना है और ये हमारा लेबल रेडी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका कलर चेंज कर दिया, ओके रेड कर दिया, अप्लाई, ओके ओके ओके, अप्लाई और ओके कर दिया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे एग्जिस्टिंग के भी एलिवेशन आ गए हैं और हमारे टॉप के भी एलिवेशन आ गए हैं। तो हमने थोड़े से टाइम में इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया। अभी इसमें जो चीज़ बाकी रह गई है वो सिर्फ ऑफसेट रह गए हैं, तो हम उसके लिए भी अपना लेबल कंपोज करते हैं। ठीक है, तो मैं सेम इसी में जाता हूँ, ओके, यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग एलिवेशन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है टॉप एलिवेशन था। मैं इसी लेबल को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी क्रम सिलेक्शन, ओके। इस बार हम जो कर रहे हैं ऑफसेट कर रहे हैं, ओके, तो मैं बैंड सेट में जाता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टॉप ऑफसेट, ओके, टॉप ऑफसेट, ओके। कलर ऑलरेडी जो हमें चाहिए वो ब्लू चाहिए, ओके, और मैं इसको ओके करता हूँ। इसका फॉन्ट हमने चेंज नहीं किया, फॉन्ट चेक करता हूँ मैं इसको, कंट्रोल ई किया मैंने इसको, फॉर्मेट, फॉन्ट में हमने इसका कैम्ब्रिया रखना है और कलर में हमने इसको ब्लू रखना है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजिंग हो गई है, ओके। अभी हमने यहाँ पे जाना है ग्रेड ब्रेक में, ग्रेड ब्रेक में भी यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे अभी हमें जो चीज़ चाहिए वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन, ओके, और इसके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो 3 है, ओके ओके ओके, अप्लाई, ओके, और इसको मैं यहाँ से ऐड करता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इसका मैं ये वाली जो वैल्यू 0 कर दी मैंने, और इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूँ कि ये टॉप एलिवेशन के एग्जैक्ट नीचे आए, ठीक है। और इसने जो ऑफसेट शो करने हैं वो टॉप सरफेस के ऑफसेट शो करने हैं और इसका हमने स्टैगर करना है बोथ साइड, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके, ठीक तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 0 का ऑफसेट दिया उसने और जहाँ जहाँ पे ग्रेड चेंज था वहाँ वहाँ पे हमारा ऑफसेट आ गया, ठीक है। तो अभी हमने यही सेम चीज़ इसके लिए बनानी है। मैं फिर इसमें ग्रुप प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ओके, बैंड सेट में जाता हूँ, और इस दफ़ा जो है हमने टॉप ऑफसेट था इसको हमने किया है कॉपी क्रम सिलेक्शन और यहाँ पे मैंने इसको किया है ईजी ऑफसेट, एग्जिस्टिंग ग्राउंड ऑफसेट, ओके, इसको मैंने कॉपी किया इधर से। अभी इधर से मैं बैंड सेट में गया, कंपोज लेबल, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है, कंट्रोल ई, फॉर्मेट, कैम्ब्रिया, ओके, और यहाँ पे हमारा जो लेबल का भी कलर है वो रेड आएगा, यहाँ पे रेड आ गया है। मैं इसको ओके करता हूँ, यहाँ से मैं ग्रेड ब्रेक में जाता हूँ और यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट पेस्ट करना है, यहाँ से हमने इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है, ओके। तो इसमें इतनी ही रिक्वायरमेंट थी, तो मैं इसको अभी इधर से ऐड करता हूँ, ओके, इसको मैं 0 करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ओजीएल ही आ रहा है, वेरी गुड, ओके, और इसको मैं बोथ साइड स्टैगर करता हूँ, ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ,
ओके करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं बैंड हमारा बन गया है। ओके ये बैंड हमारा बन गया, ये कुछ टिक आ रहे हैं इस पर, ये टिक हम इससे हटा देंगे अभी। ये हमारे एग्जिस्टिंग ग्राउंड एलिवेशन है और ये एग्जिस्टिंग ग्राउंड के ऑफसेट है, ठीक है। ये राइट साइड के ऑफसेट हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीरो का स्टेशन इसका ऑफसेट है, राइट साइड वाले प्लस में आ रहे हैं और ये वाले माइनस में आ रहे हैं। तो इसकी मैं ये जो टिक आ रहे हैं इनको हम हटा देते हैं। ओके ये जो इस लेवल पे आ रहा है, ठीक है, ये टिक जो है ये हम खत्म कर देते हैं इसके। ओके जहाँ भी है ये इसको हमने ख़त्म कर देना इधर से। ओके यहाँ से ख़त्म हो गए अप्लाई। ओके वन बाय वन हम सबको चेक कर लेते हैं, इसी में भी होंगे तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये नेक्स्ट नहीं आएंगे। ओके 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 इसको एडिट पे कर लें, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है। ओके इसमें भी नहीं है। ओके 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 ठीक हो गया। अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ, व्यू अपडेट। ये व्यू हमारा अपडेट हो गया है, ठीक है। इसके ये जो टिक हैं ये अभी भी गए नहीं है, ठीक है। मैं फिर इसको एक दफ़ा चेक करता हूँ, ग्रुप प्रॉपर्टी। ओके ये टिक हमें नहीं चाहिए, मेजर वाला ये भी नहीं चाहिए। ओके बॉटम एक्सिस, ओके ये टिक भी हमें नहीं चाहिए। ओके राइट वाला तो चाहिए हमें। ओके ठीक हो गया अप्लाई। ये जो राइट वाले ये जो टिक हैं ये वाले। ओके अप्लाई। ओके 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 नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सेटिंग आप लोग बाद में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये टिक ही हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा और ट्राई करता हूँ इसको, ये क्यों नहीं जा रहा। फॉर्मेट प्रॉपर्टी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फाइल हैवी हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये था सेक्शन व्यू का बैंड का जो वीडियो था। ओके तो ये सेक्शन व्यू हमारे बन गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।